घर से बाहर निकलने में घबराहट होना, घर के बाहर निकलने से परेशानी होना, बेचैनी होना, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मुझे जज तो नहीं कर रहे होंगे, लोग मेरे पहनावे के बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरी वेशभूषा के बारे में क्या सोचेंगे, क्या ऐसे विचार आपको भी आते हैं? यदि आपको आते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि घर से बाहर निकलने में क्या आपको भी परेशानी होती है, घबराहट होती है, एक अनवांटेड ऐसा डर लगा रहता है और ऐसे अलूल जुलूल विचार आपके दिमाग में आते रहते हैं कि लोग मुझे जज करेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे पहनावे के बारे में क्या सोचेंगे, मेरी चाल ढाल के बारे में क्या सोचेंगे, मेरी वेशभूषा के बारे में क्या सोचेंगे, ये सब थॉट चलते हैं। तो इसको हम समझेंगे। सोशल एंग्जाइटी और सोशल फोबिया के अंतर्गत हम इन चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं, समझते हैं और उसके अंतर्गत यह समस्याएं आती है। अब घर से बाहर निकलने में बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है, उनको यही डर रहता है कि जो चौपाल में चार लोग बैठे हैं वह मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वह मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और सबसे पहली बात तो यही होती है कि आपके बारे में कोई कुछ भी नहीं सोच रहा होता है। कि मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे सपोज करो एक कक्षा है, ठीक है, और इस एग्जाम्पल से बहुत सारे लोग रिलेट भी कर पाएंगे। तो कक्षा के अंदर एक विद्यार्थी है जो स्कूल लगने के बाद में, स्कूल का पढ़ाई चालू होने के बाद में एक घंटे लेट आता है। अब जैसे ही वह क्लास में एंट्री करता है तो वह यह सोचता है कि सारे लोग यह सोच रहे होंगे कि यह लेट क्यों आया है। वो जो लड़का या स्टूडेंट जिसने क्लास में एंटर किया है, लेट आया है, उसके दिमाग में एक ही बात चल रही है कि सभी लोग यह सोच रहे होंगे कि यह आज लेट क्यों आया है। क्या 100% लोगों के दिमाग में यही बात चल रही है वहां जितने स्टूडेंट बैठे हैं कि यह लेट क्यों आया है? चल रही है? नहीं हो सकता ऐसा, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि स्टडी के अंतर्गत यह बात निकल करके आई है। और ये यहाँ की स्टडी नहीं बोल रही, ये इधर का स्टडी नहीं बोल रहा, ये पश्चिम साइड की स्टडी है जो मैंने इसके अंदर जिक्र किया है। तो वहां की स्टडी बोल रही है, इधर की स्टडी नहीं बोल रही। अब इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि आप भी कभी ना कभी, कोई आपका जो दोस्त है या कोई भी है एक्स वाई जेड क्लास में लेट आया होगा, तो जिसके अपन ज्यादा नजदीक होते हैं उससे तो पूछ लेते हैं कि तू लेट क्यों आया। बाकी के लोग भी उससे पूछने आते हैं क्या? सारे पूरी क्लास में मान करके चलो 35-40-45 लोग हैं, वो सभी उससे पूछने आएंगे क्या तू लेट क्यों आया, तू लेट क्यों आया? या सभी उसके बारे में सोचेंगे कि ये आज लेट क्यों आया, इसका क्या हो गया होगा, ऐसा हो गया होगा, वैसा, ऐसा सोचते हैं? नहीं सोचते। उसके मन में क्या चल रहा है जो अभी जिसने एंटर किया है, कि सभी मेरे बारे में सोच रहे हैं। तो क्या उसका सोचना सही है? क्या जो आप सोच रहे हो वो सही है? देखो सेशन होता है ना, तो इसके अंदर मैं प्रमाणित करता हूँ इस बात को वहाँ पे, तो एग्जाम्पल दे करके प्रमाणित करते हैं, क्योंकि प्रूफ देना पड़ता है वहाँ। तो इधर थोड़ी सामग्री नहीं है मेरे पास में, तो मैं इधर प्रमाणित तो नहीं कर पाऊंगा इस बात को। कभी फिर से दोबारा कभी वीडियो बनाने का मौका मिलेगा तो थोड़ा सेटअप लगा करके इसको समझाएंगे अच्छे से। तो मैं यही बात समझाना चाहता हूँ कि जो मैंने अभी एग्जांपल दिया उसके अंतर्गत आपने समझा ना बात को, कि जिसने एंटर किया उसके दिमाग में तो यही बात चल रही है कि सभी मेरे बारे में सोच रहे होंगे, परंतु वहां ऐसा कुछ नहीं है कि सभी लोग उसके बारे में सोच रहे हो। तो यह सिर्फ और सिर्फ आपका एक वहम है। सोशल एंग्जाइटी, सोशल फोबिया के अंतर्गत यह समस्या बहुत बार निकल करके आती है, और उसके लिए हमने बताया हुआ है रिवर्स काउंटिंग मेथड, डीप ब्रीथिंग मेथड, इनका आप प्रयोग करिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ एफर्मेशन है, पीछे मैंने बहुत सारी एफर्मेशन दी है, उन एफर्मेशन को ले लीजिए और उनको बोलिए, क्योंकि शुरुआती स्टेज में है या आपकी प्रॉब्लम बहुत कम है फिर तो हो जाएगी ठीक, और अगर आपकी पुरानी प्रॉब्लम हो चुकी है, पुरानी का मतलब समझते हो ना, 3 महीने से ऊपर निकल गई ना प्रॉब्लम, तो वो पुरानी हो गई आपकी। अब 3 महीने से ज़्यादा क्रॉस कर चुकी है या हाईएस्ट 5-6 महीने पकड़ गई है आपकी प्रॉब्लम, तो फिर आप किसी के गाइडेंस में प्रैक्टिस करिए, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि आपने सर्च कर लिया है, और जो इंसान ने सर्च कर लिया ना उसके बाद तो मैं कहता हूँ कि वह भूल करके भी खुद से ट्रीटमेंट नहीं करे, फिर तो वो किसी एक्सपर्ट के साथ जुड़े, क्योंकि उसकी खुद की समस्या तो एक थी ना, 10 समस्याएं वो और भी तो सर्च करके लाया है, उन 10 का सॉल्यूशन तो निकलवाना पड़ेगा ना, वो खुद से तो नहीं मिलता। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जिन लोगों ने सर्च किया है या एक्सपर्ट के साथ जुड़ गए हैं ना, एक्सपर्ट समझते हो ना, एक्सपर्ट बोलता हूँ मैं, हाँ, आपको एक्सपर्ट बहुत सारे मिलेंगे,
फेसबुक पे, यूट्यूब पे उनके ग्रुप बने हुए हैं, व्हाट्सएप वगैरह पे, तो वहाँ एक्सपर्ट लोग बैठे होते हैं। तो उन एक्सपर्ट लोगों का इतना ही काम है कि आपकी एक समस्या है और उसमें 10 समस्याएं और जोड़ करके उसको 11 बनाना, ठीक है। तो उन एक्सपर्ट लोगों के अगर आप चपेट में आ गए हो तो फिर आपको किसी के साथ जुड़ करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा और फिर यह प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल सकता है। तो मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि अगर ऐसी कोई भी समस्या है, तो अगर नई समस्या है आपकी, 3 महीने से कम की समस्या है, तो फिर तो आप वीडियोस वगैरह देख करके उसमें करिए कुछ, और अगर इससे ज़्यादा की समस्या हो चुकी है तो फिर किसी के साथ जुड़ करके प्रैक्टिस करिए। अगर आप शुरुआती स्टेज में हो तो इस चैनल पे विजिट करिए, वहाँ जा करके आप वीडियोस लीजिए, एफर्मेशन वाले कुछ टेक्निक्स दी है हमने विचारों की, उन सबको अप्लाई करिए, उनको अप्लाई करोगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। देखो टेक्निक्स हमने बहुत सारी दे रखी है, अब आपको जो उसमें से अच्छी लगती हो ना, आपको ऐसा लगता हो कि मैं इससे, ये टेक्निक मेरी प्रॉब्लम से थोड़ा रिलेट करती है, तो उस टेक्निक को आप लीजिए और अप्लाई करिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।